क्या आप भी अपने मोबाइल में फ्री फायर एप्लीकेशन को डाउनलोड करना चाहते हैं? क्या आप जानना चाहते हैं कि आप अपने मोबाइल में फ्री फायर एप्लीकेशन को कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, उसे कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं बिना किसी प्रॉब्लम के? तो फिर इस वीडियो को देखते रहिए। सो नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। सो यहाँ देखिए, बेसिकली अपने मोबाइल पर है और जहाँ देखिए फ्री फायर अपने मोबाइल में कैसे इंस्टॉल करते हैं, उसे कैसे डाउनलोड करते हैं, बेसिकली वही बताने वाले हैं। बहुत ही आसान प्रोसेस है, लेकिन कुछ लोग ऐसी गलती कर देते हैं जिनके कारण उनके मोबाइल में फ्री फायर एप्लीकेशन इंस्टॉल या डाउनलोड नहीं होता है। तो ये भी ध्यान से यहाँ पर देखिएगा। सबसे पहले देखिए, हम अपने मोबाइल पर आते हैं और यहाँ देखिए अपने प्ले स्टोर पर हम क्लिक करेंगे। प्ले स्टोर को जैसे आप ओपन करेंगे, ऊपर देखिए आपको फ्री फायर लिखकर यहाँ पर सर्च कर देना है। देखिए बेसिकली हम लिखकर सर्च करते हैं, हमारे सामने फ्री फायर एप्लीकेशन आ चुका है। देन इस पर हम क्लिक करेंगे और यहाँ देखिए इंस्टॉल का ऑप्शन होता है, सिंपली हम यहाँ पर क्लिक करेंगे। सो हमारे सामने देखिए एक पॉपअप आता है, यहाँ पर लिखा है डाउनलोड फ्री फायर मैक्स। तो एप्लीकेशन का साइज देख सकते हैं 628 MB का है। देन नाउ पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर ओके पर क्लिक कर देंगे तो ये आपका जो मोबाइल नेटवर्क, मतलब मोबाइल के कनेक्शन से जो इंटरनेट होगा उससे डाउनलोड होगा। अगर आपके पास वाईफाई की सुविधा है या फिर आप इस पर क्लिक करके यहां पर ओके करेंगे तो अगर आपके पास वाईफाई होगा तभी यहां पर ये आपका फ्री फायर मैक्स जो है आपके मोबाइल में इंस्टॉल होगा, अगर आपके पास वाईफाई नेटवर्क है। अगर नहीं है तो चलिए इसे हम कट कर देते हैं। और कट करने के बाद देखिए हम यहां पर इंस्टॉल पर क्लिक करते हैं और इंस्टॉल पर जैसे क्लिक करेंगे पॉपअप आएगा नाउ मतलब ओवर एनी नेटवर्क, तो यहां पर आपको क्लिक करना है। इसी पर क्लिक करेंगे तो जो आपका फ्री फायर होगा इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा। एक बात आपको यह भी ध्यान रखना है कि आपके मोबाइल की जो स्टोरेज होगी वो खाली होनी चाहिए, तभी आपका फ्री फायर यहां से इंस्टॉल होगा। देखिए चलिए यहां पर देखिए इंस्टॉलिंग होने लग गई। अब यहाँ पर देख सकते हैं जो हमारा फ्री फायर एप्लीकेशन है वो देखिए यहाँ पर इंस्टॉल हो रहा है। लेकिन अगर आपके मोबाइल में स्पेस खाली है कि नहीं तो वो चेक करने के लिए आपको क्या करना है, चलिए वो मैं बता देता हूँ। देखिए यहाँ से बैक करेंगे, दिन बैक करने के बाद आपको देखिए यहाँ पर ये आइकन मिलेगा, सिंपली यहाँ पर कॉर्नर पर आपको क्लिक करना है। जैसे हम यहाँ पर क्लिक करेंगे तो नीचे देखिए मैनेज ऐप डिवाइस पर आपको क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे तो यह देखिए स्टोरेज मेरी यहाँ पर पूरी कंप्लीट मतलब भरी हुई है, तो आपके में यहाँ पर जो स्टोरेज है वो खाली होनी चाहिए। यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर 53 GB यूजर्स में से मेरे 52 GB भरी है, तो थोड़ी मेरी जस्ट खाली हुई, तो आपके में MB यहाँ पर स्पेस होना चाहिए। अगर नहीं है, आपको लगता कि पूरा यहाँ पर भरा हुआ है इंस्टॉल नहीं हो रहा है, तो आपको यहाँ पर जो भी एप्लीकेशन आपको लगते हैं कि जिन्हें डिलीट कर देना चाहिए सिंपली उन पर आपको टिक करके इस तरीके से यहाँ पर आप सेलेक्ट कर लेंगे। जो भी आपको लगता है कि यह एप्लीकेशन आपके काम के नहीं है सिंपली उन पर आपको क्लिक करके यहाँ से अनइंस्टॉल कर सकते हैं। वरना एक साथ भी यहाँ पर बहुत सारे एप्लीकेशन को इस तरीके से आप क्लिक कर लीजिएगा और क्लिक करने के बाद उनको सेलेक्ट करने के बाद ऊपर देखिए डिलीट का आइकन मिलेगा, इस तरीके से क्लिक करके उन्हें अनइंस्टॉल कर सकते हैं। सो आपकी यहाँ पर स्पेस खाली हो जाएगी तो एप्लीकेशन आपका डाउनलोड हो जाएगा, तो ये प्रॉब्लम आप यहाँ से ठीक कर सकते हैं। बेसिकली यही कुछ प्रॉब्लम होती है। वरना आप चाहे तो अगर आपका फिर भी कोई एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं हो रहा तो अपने यहाँ पर इसके प्ले स्टोर के डाटा को बिल्कुल क्लियर कर सकते हैं, तो भी आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। मैं आशा करता हूँ छोटी सी वीडियो थी, वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।